गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक आकृति है। ओके, और अब आप लोग यू के जी से पास आउट होके किसमें गए? क्लास फर्स्ट में गए हैं, आगे की क्लास में गए हैं। ठीक है, यू के जी आप लोग पास हो गए अच्छे नंबरों से, अब क्लास फर्स्ट में गए हैं, तो क्लास फर्स्ट की पढ़ाई अब आप लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की बुक है, क्लास फर्स्ट की आकृति। ठीक है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है यूकेजी में, ठीक है, उसके आगे का अब हम शुरू करते हैं आपके नए बुक से पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए, आकृति हिंदी पाठमाला उसी से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बुक निकालिए और पहला आपका चैप्टर है कविताएं, कविता है और ये कविता है झूला। ठीक है, कविता का शीर्षक है झूला। ठीक है, ये है झूला, झूला एक कविता है। अभी तक आप लोग ने मात्राओं का ज्ञान किया था यूकेजी में, आ की मात्रा, ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यही सब आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम नए तरीके से आपका शुरू करते हैं। ठीक है, ये नया अध्याय, नया सब कुछ है आप लोगों का, झूला। ठीक है, पद पाठ एक चैप्टर वन झूला शुरू करते हैं पढ़ना। आप लोगों ने भी अपने अपने चैप्टर निकाल लिया होगा, तो ये हमको क्या करनी, पोएम पढ़नी है और याद करना है, खाली खूब याद करना है। ठीक है, एग्जाम होगा उसमें लिखने के लिए आएगा, तो जितना भी आप लोग हो सके इसको याद कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, लिखिए। ठीक है, जितना भी आप लोग लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको बोलिएगा और फिंगर रख रख के बोलिएगा। चलिए, अम्मा आज लगा दे झूला। ये बच्चा है, दो बच्चे हैं और वो क्या कह रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। आगे क्या कह रहा है बच्चा, देखिए, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। अब देखिए, ये शीर्षक है झूला और ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, मन की इच्छा बता रहा है। ये जो बच्चे हैं दोनों, वो अपनी माँ से अपने मन की इच्छा बता रहे हैं कि उनका मन क्या कर रहा है। ठीक है, क्या करने को कह रहा है, तो क्या कह रहा है उसने है, बच्चा अम्मा आज लगा दे झूला। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि अम्मा आज झूला लगा दे और इस झूले पे मैं क्या करूँगा, झूलूंगा, और इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। क्या कह रहा है, मैं झूले पर झूलूंगा और इसमें मैं चढ़ूंगा, और चढ़ के कहा किसको छू लूंगा, आसमान को छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, और क्या कह रहा है बच्चा कि जब आप लोग डाली पे झूला लगाते हैं तो साथ में वो डाली भी हिलती है ना पेड़ की, तो वही कह रहा है कि झूला झूल रही है डाली, साथ में डाली भी झूले झूल रहा है पत्ता पत्ता, पत्ते भी हिलते हैं, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, और झूले पे मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं दिल्ली और कलकत्ता ले चल मुझे। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, अब क्या कह रहा है, नीचे की धरती भी झूल रही है, जब आप लोग झूला झूलते देते हैं साथ में आपके जैसे लगता है मेरे साथ धरती भी झूल रही है, जमीन भी ऐसे ऐसे हिलता है, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, क्या कह रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और मैं मुझे क्या लगता है कि मैं लूट लूं दल बादल। फिर से देखिए, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूल रही है डाली डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। ऐसा आपको एक कई बार इसको पढ़ना है तभी याद हो पाएगा।
अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। तो ये कविता है झूला, जिसका नाम है झूला, शीर्षक है झूला। ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि इस कविता को कई बार आपको पढ़ना है। जब कई बार आप इसको पढ़ेंगे घर पर तो आपको ये याद हो जाएगा। अभी आपका नया क्लास है, नया चैप्टर है, इसके पहले आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर वैसे पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। अम्मा आँच लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम उड़मझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब इस कविता को आपको क्या करना है, कई बार याद करें, जब कई बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगी ये कविता, और जब याद हो जाएगी तो उसको अपनी कॉपी पर, रफ कॉपी पर, उसको बिना देखे लिख लीजिएगा। तो आपको कम से कम ये पता चलेगा कि कहाँ पे मात्राएं गलत हैं, कहाँ मात्रा गलत लगा दी है, मात्राओं का भी इससे आपको अनुभव हो जाएगा। ठीक है, गलत है या सही है, तो इसको पहले याद कीजिएगा इस पूरी कविता को, उसके बाद आप अपनी रफ कॉपी पे अपने मन से लिखिएगा। क्योंकि इस कविता को जब याद कर लेंगे तो जब एग्जाम होगा आप लोगों का, टेस्ट होगा, तो उसमें लिखो लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कविता पूरी हो गई है, आगे देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन सर होना नहीं है, तो खाली एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। तो बच्चा झूला लगाने के लिए किससे कह रहा है, चाचा से, अम्मा माँ से, अम्मा से, पापा से? तो अम्मा से कह रहा है, तो ये अम्मा पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, इसको आपको खाली बुक में करना है, कॉपी में एक्सरसाइज नहीं करना है। बच्चा क्या छूने के लिए कह रहा है, आसमान पेड़ बादल सूरज। तो क्या छूने के लिए कह रहा है, आसमान को छूने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो आसमान पे लगा हुआ है आपका टिक। नेक्स्ट देखिए, बच्चा झूले से कहाँ जाने के लिए कह रहा है, जयपुर आगरा कलकत्ता सभी जगह। तो कलकत्ता जाने के लिए कह रहा है, तो कलकत्ता पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए, सही मिलाकर शब्द बनाओ, झूला का फूला हो जाएगा। चढ़कर बढ़कर डाली ताली, धरती करती और चल फल। ठीक है, सब आपको खाली बुक में ही करना है। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य बनाओ। तो झूला बच्चा झूला झूल रहा है, वाक्य शब्दों में तो देखिए बना हुआ है, चढ़कर, तो बंदर बंदर पेड़ पर चढ़कर झूल रहा है, आसमान आसमान में चिड़िया उड़ रही है, पत्ता पेड़ पर हरे हरे पत्ते लगे हैं। तो ये आपका वाक्य प्रयोग है। ठीक है, इसको कॉपी में कर लीजिएगा, ये आपका वाक्य प्रयोग है। ठीक है, देख लीजिए, ये वाक्य प्रयोग है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका, देख लीजिए कायदे से कैसे करना है। वाक्य प्रयोग को कॉपी में भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, कर क्या सकते हैं, कर लीजिएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए, ये पहला चैप्टर ऐसे डालेंगे, पाठ एक झूला, इसको पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे देखकर पूरा। ठीक है, इसको लिख लेंगे, फिर वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। ठीक है, डाली का पेड़ की टहनी होता है, धरती शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, मजा शब्द का अर्थ होता है आनंद, और लूटू का अर्थ होता है लेना। तो ये शब्दार्थ है, इसको कर लीजिएगा। पहले क्या करना है आपको, ऐसे डालेंगे पाठ एक झूला, फिर लगा देंगे ये पूरा, आप अपनी कविता लिख लेंगे कॉपी में। कविता लिखने के बाद वर्ड मीनिंग लिखेंगे, देखिए इसको कर लेंगे ऐसे,
फिर जब वर्ड मीनिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पर, अगर आप ये नहीं है जैसे हमने किया, आप एक पेज पर ऐसे खूब सुंदर सुंदर दूसरे पेज पे वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग करेंगे, झूला, झूले का बच्चा झूला झूल रहा है, चढ़कर तो बंदर पेड़ पर चढ़कर झूल रहा है, आसमान, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, और पत्ते का वाक्य प्रयोग है पेड़ पर हरे हरे पत्ते हैं। इसको आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। तो पहले क्या करेंगे, जो हमने कविता बताई उस कविता को लिखेंगे, फिर वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, देख लीजिए। अब जो हम बताएं उसको ध्यानपूर्वक उसको पढ़िएगा, फकता याद कीजिए, लिखिए, तो आपको कायदे से याद फकता याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।